ज़्यादा शर्मनाक और जलील हरकत कोई हो नहीं सकती कि हम अपनी बेटियों को नंगा, हम अपने घर नंगा नहीं देख सकते उनको, और सड़कों पर उनको नंगा घुमाया गया और उनको नोचा गया। ये कहाँ की इंसानियत है? क्या गवर्नमेंट इसलिए, ये पार्लियामेंट इसलिए चलेगी? भाई पार्लियामेंट तो हिफाजत करने के लिए है, हमारी माँ बहन की भी, बेटियों की भी हिफाजत हो, हमारे हकूक़ की भी हिफाजत हो, हमारा जो आईन है, जमहूरियत है जिसमें प्रजातंत्र है, उसकी हिफाजत हो। ये सब अच्छे काम करने के लिए पार्लियामेंट बनी है, ना कि इसमें इस मस अगर ये मांग की जा रही है कि इनको फांसी दी जाए, तो ये जायज़ है मांग। ऐसी वार्ता 2-3 जगह और हुई है, माहौल गरमाया हुआ है, क्या इस बीच संसद चल पाएगी? कल एक बार फिर संसद का सत्र शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ कि शायद चल नहीं पाएगी, और शायद हमारा जो अपोजिशन है वो धरना देगा इसमें, जब जबकि इस बात की कोई यानी सज़ा नहीं हो इसको, जिन्हें जो हमारी बेटियों को नंगा निकाला गया है, उस वक्त तक इस पार्लियामेंट के चलने से फ़ायदा क्या है? इससे ज़्यादा दर्दनाक हादसा या इंसानियत सोच नाश्ता मामला नहीं हो सकता कोई। कल संसद चल पाएगी? हाँ, कल कल भी नहीं पर चल पाएगी। कल ऑपोजिशन पार्टियों की एक बड़ी बैठक भी है सुबह की, हाँ, बड़ी उसमें भी बैठक कहा भी जा सकता है है जाम और धरना में। जी। बहरहाल सब लोग, जितना भी सारा अपोजिशन है, और मैं समझता हूँ कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके दिलों में भी इसका दर्द होगा ज़रूर, वो चाहे ना कह रहे हैं डर की वजह से। किसका डर है सर? डर ये गवर्नमेंट का है, वो बीजेपी की गवर्नमेंट में है। कल धरना महात्मा गांधी की मूर्ति पार्लियामेंट के अंदर? मैं भी अपोजिशन के साथ हूँ सबके, और इस मामले में ख़ास तौर से मुझे बहुत तकलीफ़ है रूहानी, इसका हम सब पढ़े लिखे सारे सिलेक्टेड लोग जितने भी हैं पूरे मुल्क से आते हैं, जब उनके वो इस मसले को सामने न उठाएंगे तो कौन उठाएगा इस मसले को? विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया नाम से, उसके सभी लोग कल धरना देंगे महात्मा गांधी की मूर्ति, उसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे, समाजवादी पार्टी भी चाहे इसमें हाँ, शामिल इसमें होंगे। शामिल होगी। मणिपुर में हुई घटना के बाद सर सियासी माहौल काफी गर्म है, इस बीच कल संसद के अंदर अपोजिशन पार्टियों का जो गठबंधन है इंडिया नाम से, वो धरना देगा महात्मा गांधी की मूर्ति के पास। किस तरह से आप इस धरने को देख रहे हैं? क्या मांग है आपकी? क्या समाजवादी पार्टी भी इस धरने में सम्मिलित होगी? भाई जैसा कि अभी करना हजारे ने कहा कि इनको फांसी दी जाए, तो बहरहाल इसमें हमारी मांग जो यही है, जो सारा अपोजिशन मिलकर जो बात तय करेगा वो उसी पर अमल किया जाएगा। में रहेंगे, सम्मिलित होंगे आप लोग? जी हाँ, मैं भी शामिल हूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।